Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject science class 6. Okay, हम chapter 10 में थे motion and measure of distance. Okay, हमने page number 1 and 2 जो है complete कर लिया था. अब हम आ गए थे page number 3 में. Okay, next page में है आपके standard unit of length. Okay, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके पहले आपने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं, है ना. लेंथ को हम मीटर में मीटर जो है उसका ऐसा यूनिट है, इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, जिसको वर्ल्ड में, है ना, सारे पूरे विश्व में जो है इस चीज़ को माना जाता है. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं. द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. ठीक है, जो उपयुक्त इकाई है, मानक इकाई है लेंथ की, वो क्या है, मीटर है. अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. और जो अदर यूनिट है लेंथ की, वो क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब हम जानते हैं ना. लेकिन लेंथ को अगर पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो किस हिसाब से मानते हैं, मीटर जो है उसका ऐसा ही मान क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट है आपका मीटर है. ओके, और कॉमन स्टैंडर्ड भी है, जैसे हम मिलीमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विश टू मेज़र, वी हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट यूनिट. वी यूज़ मीटर टू मेज़र द लेंथ ऑफ पीस ऑफ रोप्स, किलोमीटर्स टू मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मिलीलीटर्स टू मेज़र द थिकनेस ऑफ द हेयर. सो स्मॉल यूनिट लाइक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर यूज टू मेज़र स्मॉलर लेंथ, लार्जर यूनिट लाइक एम एंड के एम, इट मीन्स मीटर एंड किलोमीटर आर यूज टू मेज़र लार्जर लेंथ एंड लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, हमने ये जाना कि लेंथ जो है, लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, है ना, लेंथ की ऐसा यूनिट है आपकी मीटर. ओके, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो है उसको किसी भी चीज़ को मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर किसी में भी नापते हैं ना. तो ये डिपेंडिंग क्या करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट जो चीज़ है, है ना, उसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे नापेंगे, किस मेज़र से नापेंगे. ओके, वी यूज़ मीटर टू मेज़र द लेंथ ऑफ पीस ऑफ रोप, किलोमीटर टू मेज़र. जैसे आपको किसी रस्सी की लंबाई नापनी है तो आप मीटर में नापते हो, है ना. और अगर आपको डिस्टेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आपको पता करना है कि कितने डिस्टेंस में है, तो आप किलोमीटर में नापते हो, है ना, या मिलीमीटर में नापते हो. ओके, किलोमीटर में नापते हो. एंड मिलीमीटर में आप क्या नापते हो, थिकनेस ऑफ द हेयर. जैसे आपको हेयर, जैसे बाल, जैसे पतले चीज़ों का अगर आपको पता करना है लंबाई की क्या है, कि उसकी क्या है करके, तो आप क्या करोगे, मिलीमीटर में नापोगे उसको. ठीक है, आप बाल को किस में नापोगे, मिलीमीटर में नापोगे. सो स्मॉल यूनिट लाइक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो आप इससे क्या जाने कि जो छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में नापते हैं. ओके, आर यूज टू मेज़र स्मॉलर लेंथ, और लार्जर यूनिट को मीटर एंड किलोमीटर में. ओके, लार्जर लेंथ जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है, उसको हम किलोमीटर या मीटर में नापते हैं, और जो स्मॉल चीज़ें होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं या स्मॉल लेंथ की होती हैं, उसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं. ओके, ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, ईच कॉल्ड सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न, ईच डिवीज़न इज़ कॉल्ड मिलीमीटर. क्या समझा आपने इसका मतलब, कि जो मीटर होती है उसको हमने 100 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड किया है, तो वो जो 100 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, इट मीन्स सीएम बोलते हैं. और सेंटीमीटर को जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवीज़न किया गया है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर्स बोलते हैं. ओके, इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. क्यों, क्योंकि हमने 1 मीटर को जो है क्या किया है, 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया है. ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट ए कन्वर्टेड यूनिट. फॉर दिस पर्पस अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड कॉल्ड किलोमीटर या मीटर. ओके, जो लार्ज डिस्टेंस है, जो लंबी दूरी है, उसको मीटर से हमको करना पड़ेगा, तो हमको मीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है ना. तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमको ये पता चला है
कि 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर होता है, ये आप जानते हो, क्योंकि अगर आप मीटर में आप नापते हो तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, है ना। अगर तो इसके लिए हमने क्या किया है, उसको डिफाइन किया है लंबे डिस्टेंस के लिए, लेंथ को हमने किलोमीटर जाना है, ठीक है। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल हैविंग मार्किंग एंड मेजर इन SI यूनिट। बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। ओके, अब हम क्या है ये रिपीट कर रहे हैं आपके लिए कि जो मेज़रमेंट होती है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्केल जो होती है, जो बनी होती है, उसको SI यूनिट्स के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम ये किसी भी लेंथ और डिस्टेंस को जानने के लिए हमको क्या है, एक करेक्ट वे मिल गया है ना। डिस्टेंस हम किलोमीटर में ही नापते हैं, लेंथ हम मीटर में नापते हैं, माने इट मीन्स सीधी सीधी सी बात है कि चीज़ों को देखकर, थिंग्स को देखकर, उसके वे को देखकर हम जो हैं उसको नापते हैं, ठीक है। मेजरिंग लेंथ, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। द टाइप ऑफ डिवाइस टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द वर्क एंड द एक्यूरेसी दैट इज नीडेड। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज आर द मीटर स्केल एंड द मेजरिंग टेप। देयर इज अ रूलर इन द ज्योमेट्री बॉक्स विच इज यूज टू मेजर लेंथ। इट इज सिमिलर टू ए मीटर स्केल बट इज सिमिलर इन साइज। ओके, हम अपने रोज की लाइफ में हम देखते हैं कि हम बहुत सारे मेजर है ना डिवाइस का जो है यूज़ करते हैं, और जो है यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे वर्क के हिसाब से होता है ना, कि हम किस वर्क में किस टाइप का जो है मेजर लें, है ना। तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप। ओके, एक हमारे पास है यहाँ पे, देखिए आपको पिक में दिया गया है, स्केल दिया गया है और आपको एक टेप दिया गया है। ओके, तो इस स्केल और आप रूलर सॉरी टेप का यूज़ आप कैसे करते हो, जहाँ पे आपको सीधी सीधी से छोटी सी चीज़ों को नापना है तो आप स्केल का यूज़ करोगे, लेकिन जब आपको लंबी चीज़ों को नापना होता है तो क्या करते हो, आप टेप का यूज़ करते हो, है ना। ये जो है क्या है, सिमिलर चीज़ होती हैं, दोनों सिमिलर चीज़ है, बट जो है साइज को देख के, जिस वस्तु को, जिस चीज़ को हमको नापना होता है उसकी साइज को देख के हम नापते हैं कि हम उसको स्केल से नापें या टेप से नापें, बट इट इज़ अ सिमिलर। ओके, ये जो है सिमिलर मीटर होते हैं और साइज को देख के जो है नापा जाता है, इसमें जो है स्मॉल साइज को नापा जाता है एंड इसमें थोड़े से उससे लॉन्ग साइज को नापा जाता है। ओके, करेक्ट वे टू यूज अ रूलर आर स्केल। बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दिस डिवाइसेस दे शुड बी ऑब्जर्व एंड स्टडी केयरफुली टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अ रूलर कैन बी यूज, द रूलर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन विथ इट्स। ओके, जब आपको एक लाइन खींचनी होती है तो आप क्या करते हो, अगर आपको ये भी जो लाइन खींचनी है उसके लिए आप जो है स्केल का यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, 0 पॉइंट कोइंसिडिंग विथ पॉइंट ए ऑन द लाइन द रीडिंग ऑन द रूलर एट पॉइंट बी ऑन द लाइन गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए आपको स्केल दिया गया है ना, आपको पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी तक जाना है, इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक लाइन की यूज़ कर रहे हो, लेंथ की यूज़ कर रहे हो, है ना, एक लाइन सेगमेंट का यूज़ कर रहे हो, इससे आपको लंबाई पता चल रही है और वो चीज़ आप किससे कर रहे हो, स्केल से कर रहे हो। इन टॉकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक करेक्ट वे में जाना है, वो आपको किस करेक्ट वे में जाना है। द मेजरिंग डिवाइस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट पैरेलल एंड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड। सेकेंड है आपका, इफ़ द एज ऑफ द रूलर इज वॉर्म आउट आर ब्रोकन द मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर मार्क दैट इज यूज दैट इज फुली केयर। द आई शुड बी पोजिशन एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। एन एरर कैन अक्यू ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई वाइल टॉकिंग द रीडिंग। द एरर इज कॉल्ड पैरालेक्स एरर। द फिगर गिवन हियर शो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई दैट इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। आपको ये स्केल दी गई है, इसमें आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपको एक लाइन सेगमेंट करना है ना,
आपको लाइन खींचना है तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक पिक में ये दिया है कि आपको जो है स्टेट में देखना है, ठीक है, आपको इधर से या इधर से नहीं देखना है। अगर आप इधर से देखते हो, देखो इस साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखते हो तो ये 5 पॉइंट से आगे चला जा रहा है, अगर आप इधर से देखते हो तो ये 5 पॉइंट से पीछे चला जा रहा है। बट आप जब स्ट्रेट देखोगे, सीधी देखोगे, तो क्या समझ में आएगा कि ये जो लाइन है वो आपको एक्यूरेट मिलेगा कि आपने 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लाइन जो है एक्यूरेट खींचा है, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट वे टू यूज़ अ रूलर या स्केल, ओके, आपको करेक्ट वे में स्केल से लाइन कैसे खींचनी है, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।